90 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य में अधिकारियों की लापरवाही व ठेकेदार की मनमानी से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखा जाए तो मुंगावली उपचुनाव के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का दर्जा दिया गया था, के बाद वर्तमान में जो भी कार्य कराए गए हैं उनके निर्धारण मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा। जब इस तरह के हो रहे घटिया निर्माण के बारे में मिनी स्मार्ट सिटी के उपयंत्री से जानना चाहा तो उनका जो कहना है वह स्मार्ट सिटी विभाग भोपाल के अधिकारियों की लापरवाही को भी उजागर करती है। जहां जो उपयंत्री हैं उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक को मिट्टी युक्त रेत के अलावा घटिया सामग्री का उपयोग बंद करने को कहा गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा लगातार काली रेत का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह जब ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के बाद विधायक ब्रजेंद्र सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है कि यदि इस तरह का घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह करोड़ों के प्रोजेक्ट में मनमानी पूर्वक कार्य कर रहे ठेकेदार व लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। काली रेत के बारे में तो मैंने ठेकेदार से शुरुआत से ही मना करी है कि इसको यूज़ ना करो। इसके अलावा मैंने अपने अधिकारियों को भी सूचित किया था, लिखित में भी सूचित किया है, सीएमओ साहब जो इसके कमेटी के सदस्य हैं अध्यक्ष हैं उनको भी सूचित किया है, तो वो आए भी हैं स्पॉट पर चेक करने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि भैया मिट्टी रेत, अगर काली रेत की बात कर रहे हो कि प्रतिबंधित है तो वो अलग बात है कि जब रॉयल्टी मांगी जाएगी या टैक्स इन्फॉर्मेशन से मांगी जाएगी तो वो उस वक्त प्रूफ हो जाएगा क्लियरली, पर अगर ये रेत क्या कहते हैं बिना रॉयल्टी की है तो उन पर टैक्स लगेगा, टैक्स कटेगा। इसके अलावा मिट्टी की बात करोगे आप तो मिट्टी मैंने चेक करवाई हुई है, 6% का टॉलरेंस रहता है। अगर हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में 5% 4% यहाँ की मिट्टी आ रही है जो टेस्ट की है, तो मिट्टी के बारे में तो ये नहीं बोलूँगा। हाँ ये मान रहा हूँ कि वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है स्ट्रक्चर को, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में फ़र्क आ रहा है उससे, और क्या कहते हैं मोटी है जो यूज़ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा मोटापन है। तो इस बारे में कई बार बता चुके हैं, दैनिक जो अखबार हैं आपके मुंगावली के या जो भी है वो भी कई बार निकाल चुके हैं और हमारे अधिकारियों से भी इस चीज़ से बात कर चुके हैं। मैं तो अभी भी बोलना चाहूँगा कि ये काली रेत का काम बंद कर देना चाहिए, नहीं यूज़ करना। अभी जो भी काम है चलो वो निम्न स्तर का, मतलब ये कहते हैं बहुत M20 तक है माल, चुनाई है, PCC है, प्लास्टर है। प्लास्टर तो वैसे इन्होंने किया नहीं काली बजरी से, जो भूसी थी बारीक वाली तो वो मंगवाई थी, लेकिन जो बड़े काम आएंगे जैसे रोडों के काम आएंगे और बड़े स्ट्रक्चर्स की जिसमें ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी वहाँ ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नहीं, अगर घटिया निर्माण हो रहा है तो अपन इसकी जाँच करवाते हैं, मैं खुद स्वयं जाकर भी देखूँगा, उस उपयंत्री को भी बुलाएंगे मौके पर, CMO को बुलाएंगे और उस काम की जांच करेंगे। और वास्तव में अगर घटिया निर्माण हो रहा है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा और जिन लोगों ने के माध्यम से ये काम हो रहा है, जिनकी देखरेख में हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।